देख रहे हैं नीम का पेड़ और सामने हमारा जो घर है, ये जो बैठका है, बैठका अब टूट रहा है, जर्जर हो गया है। ये खंडहर बता रहा है कि कभी इमारत बुलंद थी, डिजाइनदार मत पूछिए, डिजाइन तो इसका लाजवाब है। 50-60 के दशक में ये बना बैठका, पहले घर के दूरी पर बैठका होता था, ये आकार आगे था। इसका डिजाइन देखिए, मछली है, शेर है और कमल है। मछली आप जानते हैं अवध के नवाब का राजकीय चिन्ह हुआ करता था, पहले नवाबों के स्टेट हुआ करते थे, अवध स्टेट, अवध राज हो गया, रामनगर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ऐसे हमारे देश में राज और स्टेट हुआ करते थे ब्रिटिश राज में। उसी का एक पुराना नमूना, पुराना डिजाइन, ये डिजाइन अब देखने को कहीं नहीं मिलता है, जो ऊपर गोला है वैसे नीचे भी था, बहुत ही बेहतरीन। अब अंदर जर्जर हो गया है, अब ये टूट रहा है, वक्त यादों के लिए बनवा ले, जो काम करेगा आगे भविष्य में, और होना ही चाहिए। बैठका दरवाजे की डिजाइन भी बहुत बेहतरीन होती थी, पुराने जमाने के घर निराले ही होते थे। ये सिकड़ी है, ये सिकड़ी, और सामने जो देख रहे हैं ये मकान है, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। चरण है, गाय है, ये गोलाकार था, ये भी टूट गया है, तोड़ा जा रहा है। जब ये बना 50-60 के दशक में किसी का मकान नहीं हुआ करता, मिट्टी के और खपरेल के मकान होते थे, उस दौरान ये मकान बना। आप डिजाइन से ही, इसकी नक्काशी से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितना पुराना है और कितना बेहतरीन था। यानी विरासत जो है हमारी थी, बहुत ही उज्जवल था, विरासत बहुत ही मजबूत था। इस मकान को देखिए, 50-60 के दशक में ऐसी मकान बनना, समझिए कि हमारे बाप दादा बहुत ही बुलंद थे, समृद्धशाली थे। अब आगे विरासत मिला है हमको, अब देखिए कहाँ तक हम इसको संभालते हैं और ले चलते हैं। कहीं तखा में चांद बना है तो कहीं सूरज बना है। ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। ये नीचे चांद और ये ऊपर सूर्य, देखिए कितना अच्छा मिलन है। कहा जाए चांद और गंगा जमुनी तहजीब सब मिला हुआ है इसमें। विरासत भी बुलंद था और इमारत भी बुलंद थी और आगे भी बुलंद रहेगा। स
साथ में जो आप ये नीम देख रहे हैं, इसी नीम के नीचे मैं बचपन में सोता था। मेरा बचपन इसी पेड़ के नीचे है गुजरा है, और ये पेड़ इतना मजबूत है नीम। दरवाजे पर पहले के जमाने में नीम भी हुआ करती थी, यानी फलदार वृक्ष हुआ, नीम हुआ, आम हुआ, जामुन हुआ, ये सब लगता था और लोग लगाते थे छांव के लिए भी। और नीम दरवाजे पर ना रहे तो मान लीजिए कि कीटाणु जीवाणु आदमी जो है बीमार नहीं पड़ता था इसके वृक्ष के नीचे सोने से, और अच्छा ऑक्सीजन मिलता था, सुबह सुबह दातुन मिल जाता था। ये परंपरा बहुत पुरान समय से चला आ रहा है, पुरान पद्धति है ये। अब तो लोगों के दरवाजे पर जगह ही नहीं है कि नीम का पेड़ लगाएं या कोई अन्य पौधा लगाएं। अब तो मान लीजिए कि यूकेलिप्टस या जो जो अंग्रेजी टाइप का जो कह रहे हैं वो पेड़ चलने लगा है। अब किस्म किस्म के अंग्रेजी पेड़ आ गया है। नीम लगता था, इसकी दवा भी बनती थी, घरेलू उपचार होता था। अब इसका भी धीरे धीरे समय आ रहा है। जिस पेड़ के नीचे मैं सोया पला बढ़ा बड़ा हुआ, अब वो भी इस बुलंद इमारत, इस बैठका के साथ साथ ये भी जमींदोज हो जाएगा।